Welcome class 11th in today's history class. Students, as you know, in our previous class we have started history chapter 4th, the Central Islamic Land. And in this chapter we have discussed about Prophet Muhammad. हमने पढ़ा कि Prophet Muhammad कौन थे और किस तरह से उन्होंने जो कि एक tribe से belong करने वाले थे, एक जो जिसका नाम Quraysh था, और किस तरह से उन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की और एक तरह से फाउंडेशन रखी है ना, बहुत सारे लोगों को किस तरीके से जोड़ा इस्लाम के साथ. और हमने पढ़ा था कि उन्होंने उस टाइम पर जो भी उस टाइम पर अवेलेबल ट्राइब्स थे, जो भी कबीले थे, उनसे लोगों को भी कनेक्ट करा, जोड़ा है ना, इस्लाम धर्म में जोड़ा. और एक लार्ज एरिया, एक लार्ज पॉपुलेशन अब इस टाइम पर ऐसी हो गई थी जो इस्लाम को फॉलो कर रही थी. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है तो आगे की स्टोरी हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. द कैलिफेट एक्सपेंशन, सिविल वॉर्स एंड सेक्ट फॉर्मेशन. हुआ क्या था कि हम लोगों ने पढ़ा कि मोहम्मद साहब, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद नाम से भी फेमस हैं, उन्होंने इस्लाम की शुरुआत की. ठीक है, बहुत सारे लोगों को उसमें उन्होंने जोड़ा और एक लार्ज पॉपुलेशन इस टाइम पर इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी. इनके साथ कनेक्ट हुए जो लोग थे उनको उम्मा कहा जाता था, है ना, वो जो ग्रुप क्रिएट हुई थी अभी इस टाइम पर उसको उम्मा कहा जाता था. ठीक, 632 में जब मोहम्मद साहब की, प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर अभी तो जो प्रॉफेट के तौर पर वो जाने जा रहे थे, एक मैसेंजर की तरह, गॉड के मैसेंजर की तरह जाने जा रहे थे, 632 में तक उनका ही राज चल रहा था. मतलब जो भी उम्मा के मेंबर्स थे, जो सारे लोग थे जो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, वो सभी मोहम्मद साहब के बताए हुए जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो कर रहे थे. ठीक है, 632 के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है, तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि अब इनके बाद किसके इंस्ट्रक्शंस उम्मा फॉलो करेगी, कौन होगा जो उम्मा को सही गाइडलाइंस देगा, है ना, यानी उम्मा कौन, वो इस्लाम के जो भी लोग होंगे, जो एक ग्रुप क्रिएट हो गया था मोहम्मद साहब ने, जो क्रिएट कर दिया था वो. तो अब ओ, क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी कुछ भी मतलब इस तरह से लोगों को नहीं बताया था कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, किस तरह का सिस्टम चलेगा, हमारी लीडरशिप कौन करेगा, हमारे उम्मा को कौन आगे लेके जाएगा, कौन रूल्स और लॉज बनाएगा, या किस तरीके से हम और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, इस्लाम को और स्प्रेड करेंगे, कुछ भी इस तरह की चीज़ें थी वो बिल्कुल क्लियर नहीं थी, है ना. तो एक क्वेश्चन आ जाता है उस टाइम पर उम्मा के लिए कि अब किस तरह से आगे का काम होगा, कौन होगा जो नेक्स्ट प्रॉफिट होगा, या किस तरीके से इस पूरे उम्मा की लीडरशिप होगी, है ना. ग्रुप ऑफ मेंबर है उम्मा, और यहाँ पर एक लीडर की ज़रूरत तो है ही, जो कम से कम सही ढंग से गाइड कर सके, है ना. तो अब इस टाइम पर क्या होता है, क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट, एक इंस्टीट्यूशन बनता है. इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक नया पद, एक नया पोस्ट इस समय पर क्रिएट हो जाता है, जिसको कैलिफेट कहा जाता है. ठीक है, ये कौन थे, ये उस पूरी कम्युनिटी के, यानी जो उम्मा क्रिएट हुई थी उसके जो हेड थे, उनको इस पोस्ट पे रखा गया, दिया गया. ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता था, उन्हें जाना जाता था अमीर अल मोमिनी, मोमिन के नाम से. ठीक है, जिसको डिप्टी खलीफा ऑफ द प्रॉफिट भी कहा जाता था. ठीक है, मतलब ये कहा जाता था कि ये कौन थे जो कैलिफेट थे, जिनको हिंदी में खलीफा कहा जाता है, ये कौन थे, ये प्रॉफिट मोहम्मद के एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके बाद के जो हेड होंगे उस तौर पे जाने जा रहे थे. ठीक है, तो हम प्रॉफिट की जगह पे एक नया प्रॉफिट नहीं बना सकते थे, हम क्या कर सकते थे कि उनके उनसे छोटा एक पोस्ट क्रिएट करके, ठीक है, जिसको डिप्टी ऑफ प्रॉफिट कहा गया और खलीफा नाम से भी जाना गया, कैलिफेट भी कहा गया, वो क्रिएट किया गया. ठीक है, और ये कहा गया कि ये जो कैलिफेट होंगे, ये जो खलीफा होंगे, ये प्रॉफिट के बताए हुए, हमारे मोहम्मद साहब के बताए हुए जो भी उसूल्स हैं, है ना, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन चीज़ों को हमको और अच्छे से फॉलो कराएंगे. और ये पोस्ट उनको दिया जाना पॉसिबल था जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद के,
तो कुछ चार लोग ऐसे थे जो कि मोहम्मद साहब के बहुत क्लोज माने जाते थे, और उन्हीं को बारी बारी से कैलिफेट का पोस्ट मिला। ठीक है, तो जो शुरू के हमारे चार कैलिफ्स हुए, जो चार खलीफाज हुए, यानी हमारे डिप्टी ऑफ प्रॉफिट जो शुरू के चार हुए, उन लोगों ने कुछ मेन एम्स रखा। ठीक है, तो पहली चीज़ कि वो क्या फॉलो कर रहे थे, वो जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड के थ्रू ही सारी चीज़ें कर रहे थे, वो गाइडलाइंस जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने दी थी पूरे उम्मा को, पूरे ग्रुप को। ठीक है, और दो ऑब्जेक्टिव्स बना के इन लोगों ने आगे का कंट्रोल करा, आगे का काम शुरू किया। दो ऑब्जेक्टिव्स बनाए, सबसे पहला उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि जो उस टाइम पर दूसरे जो ट्राइब्स थे, है ना, उनको भी उम्मा में शामिल कर लिया जाए। ठीक, और वो कैसे शामिल हो सकते थे, उनको इस्लाम की विशेषताएं बताएंगे, क्वालिटीज़ बताएंगे, और लोगों को वन गॉड का मैसेज देंगे कि गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ग्रेट, और इस तरह से चीज़ें जिनमें अल्लाह, जिन्हें हम अल्लाह कहते हैं, और सारी जो विशेषताओं की क्वालिटीज़ जब हम बताएंगे तो जो दूसरे ट्राइब्स के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ पाएंगे, जो कि अभी तक यही हो रहा था, है ना। तो पहला इनका ऑब्जेक्टिव, पहला इनका एम था इन कैलिप्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइब्स को जोड़ लिया जाए और उम्मा का मेंबर बना लिया जाए और इस्लाम स्प्रेड कर लिया जाए। और दूसरा एम जो था वो था कि किस तरह से जो भी रिसोर्सेस हैं हमारे पास, है ना, जो भी प्रॉस्पेरिटी है उसको और किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, मतलब वो स्टेप्स लिया जाए कि हमारे पास और ज़्यादा रिसोर्सेस हमारे पूरे स्टेट के अंदर आ जाए और हम प्रॉस्पीरियस हो जाएं। ठीक है, तो दो एम उस टाइम पर उन लोगों ने रखे। मोहम्मद साहब के डेथ के बाद बहुत सारे जो ट्राइब्स थे, जो अभी उम्मा के मेंबर्स बन चुके थे उस टाइम तक, उन लोगों ने उनके जाते ही, उनके डेथ होते ही अपने आप को इस्लामिक स्टेट से अलग कर लिया। ठीक है, उन्हें लगने लगा कि अब हम सही लीडरशिप में नहीं हैं, और हमारा जो एक मेन प्रॉफिट था, जो एक मेन लीडर था, जो बहुत अच्छे से गाइड कर रहा था, अब वो नहीं रहा, तो अब हम इस उम्मा के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, बल्कि हम अपना खुद का कम्युनिटी इस्टेब्लिश करेंगे, खुद एक नए तरीके से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, एक आइडेंटिटी देंगे। ठीक है, तो कुछ इस्लामिक जो कुछ उस टाइम पर ट्राइब्स थे, जो उन लोगों ने इस्लामिक स्टेट से अपने आप को अलग कर लिया था। ठीक है, अब जो शुरू के चार कैलिप्स हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले खलीफा या कैलिफ थे वो थे अबू बकर, इनके बाद जो कैलिफ बने वो थे उमर, देन उथमान, एंड लास्ट जो हमारे कैलिफ थे वो थे अली, है ना। तो ये चार मेन खलीफाज, मेन कैलिप्स हैं जो मोहम्मद साहब के, प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद बने। फर्स्ट कैलिफ अबू बकर, जिन्होंने बहुत सारे सीरीज़ में कैंपेन्स किए, मतलब बहुत सारे अटैक्स किए आसपास के एरियाज़ में, बहुत सारा रिवॉल्ट भी हुआ उनके टाइम पर। तो मेन उनका जो काम बताया जाता है वो था रिवॉल्ट्स, बहुत सारे, है ना, मतलब सीरीज़ ऑफ रिवॉल्ट्स उनके टाइम पे हुए। सेकंड कैलिफ जो हमारे उमर हैं, उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ पावर की पॉलिसी को अपनाया, उन्होंने देखा कि किस तरीके से अपने आप को, अपने एरिया को, अपनी टेरिटरी को और एक्सपेंड किया जा सकता है, और उसके बेसिस पे पॉलिसीज़ बनाकर वर्क करना शुरू किया था उमर ने। ठीक है, और ये जो कैलिफ्स थे, इन लोगों का मेन मोटिव यही था जो हमने पहले भी बताया, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म में जोड़ लें, इस्लाम में कन्वर्ट कर लें, और सेकंड था कि किस तरीके से हम पैसों को वो या रिसोर्सेज को और ज़्यादा हथिया सकें, है ना। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने बहुत सारे रेड्स करे, मिलिट्री कमांडर्स के साथ मिलकर बहुत सारे रेड्स करे आसपास के जो प्रॉस्पीरियस प्लेसेस थे, प्रॉस्पीरियस कंट्रीज़ थी, जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर उस टाइम पर था वेस्ट में, ससानियन एम्पायर जो कि ईस्ट में था, दोनों ही बहुत ही प्रॉस्पीरियस एम्पायर्स थे, बहुत ही रिच थे। दोनों के बारे में भी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है ना, ये रोमन एम्पायर के ही पार्ट्स थे। ठीक है, तो उस टाइम पर उनके ऊपर अटैक किया, ठीक, और जहाँ से बहुत सारे अमाउंट में, क्योंकि वो बहुत ही डेवलप्ड एरियाज थे, बहुत ही डेवलप्ड रीजन्स थे, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन लोगों ने रिसोर्सेस को पाया।
प्रॉस्पेरिटीज़ को पाया, जिससे ये रिचनेस आ जाती है इनके पास, और जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इनके पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में भी, है ना, कि किस तरीके से इनकी पॉलिटिकल पावर और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और जीता हुआ जो टेरिटरी होता था वो तो इनके अंडर में आ ही जाता था, कैप्चर कर ही लिया जाता था, तो इनकी जो फिज़िकल बाउंड्री थी वो भी बढ़ रही थी इस टाइम पर। और दूसरी क्या हो रही थी, इनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी, इनका जो रिसोर्सेस का अमाउंट था वो भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पर बहुत तेज़ी के साथ ये कैलिप्स लोग प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद ये काम कर रहे थे। एक बहुत ही प्रॉस्पीरियस प्लेस जो कि था बाइजेंटाइन एम्पायर, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी फॉलो करी जा रही थी, ठीक है। और ज़्यादातर जो वहाँ पर लोग थे वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे, जबकि जो ससानियन एम्पायर था वहाँ पर जोरोस्ट्रीनिज्म को फॉलो किया जा रहा था, ठीक है। तो ये दोनों ही पड़ोसी देश थे, ठीक, और दोनों पास पास थे, और रीजन से रिलेटेड जो भी रिलीजन से रिलेटेड इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो ये आपस में भी लड़ते रहते थे, ठीक। और इसी जो लड़ाइयाँ इनके बीच में होती रहती थी, जो आपसी कॉन्फ्लिक्ट था, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी वजह से ही इन दोनों के बीच में, इन दोनों ही एम्पायर में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस आ जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं लड़ाई कर कर के, जिसका फ़ायदा उठाते हैं हमारे कैलिफ्स, है ना। और वीकनेस हो जाने के बाद वो स्ट्रांग मिलिट्री के साथ जाते हैं और दोनों ही एरियाज़ को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, जीत लेते हैं, ठीक। तो कैलिफ्स के आने के बाद इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटीज़ उस टाइम पर हुई। तो ये हमारे शुरू के दो कैलिफ्स की बात थी, ठीक। इनके बाद क्या हो रहा था कि 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स के बीच ही हमारे ये जो दो कैलिफ्स थे शुरू के, इन लोगों ने एक लार्ज एरिया को अरब में शामिल कर लिया था। कौन कौन से एरिया को? सीरिया, इराक, ईरान और इजिप्ट, इनके साथ साथ मदीना, या ना मदीना तो में तो ये रहते ही थे शुरू में, जब वहाँ से मक्का से इनको हटाया गया था, इनका अपोज़ किया गया था, तो ये मदीना आ गए थे। और मदीना में ही फिर मोहम्मद साहब की डेथ भी होती है, तो मदीना एक तरह से उनका कैपिटल सेंटर था। यहीं से रहते हुए इन्होंने जो भी कैंपेन्स किए वो कर रहे थे ना। तो अब सीरिया, ईरान, इराक, इजिप्ट जैसे एरियाज, कंट्रीज़ अब शामिल हो चुके थे अरब के साथ, या फिर अरब के साथ ही क्यों, हम कहेंगे कि मुस्लिम जो हमारा स्टेट था मदीना, उसके साथ जुड़ चुके थे, ठीक। बहुत सारी लड़ाइयाँ जहाँ पर ये लगातार जीतते चले आए, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी उस टाइम पर, बहुत सारे रिलीजियस फर्वर्स थे, यानी जो दो मैटर्स हम लोगों ने पढ़े कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपस में लोग लड़ रहे हैं, और वहाँ पर ये तीसरा जाकर ये हमारे जो कैलिफ्स थे ये जाकर वहाँ पर उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, है ना, उनके वीकनेस का। इनके अलावा बहुत सारे दूसरे रीजन्स जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल होते रहे, ठीक। अब आते हैं थर्ड कैलिफ की बारी, जो थर्ड खलीफा था जिसका नाम था उथमान, उसकी बारी आती है। इसके टाइम पीरियड में क्या होता है कि अब इनका जो कंट्रोल था वो और एक्सटेंड हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, और अब सेंट्रल एशिया का पार्ट भी इनके अंडर में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा उस टाइम पर अरब इस्लामिक स्टेट कंट्रोल द वास्ट टेरिटरी बिटवीन द नाइल एंड द ऑक्सस रिवर, नाइल और ऑक्सस के बीच का अब एक बहुत लार्ज एरिया अब किसके अंडर में आ चुका था, इन कैलिफ्स के अंडर आ चुका था। इन मुस्लिम जो हमारे मोहम्मद साहब के उम्मा के जो मेंबर्स थे उनके हाथ में आ चुका था, है ना, समझ रहे हो। जिनका लीडरशिप कौन कर रहा है, ये खलीफाज कर रहे थे, ठीक है। तो थर्ड खलीफा के आने तक नाइल से लेकर ऑक्सस तक के बीच का एक लार्ज एरिया, एक वास्ट एरिया इनके साथ शामिल हो चुका था, और ये सारे लैंड आज भी मुस्लिम रूल यहाँ पर चल रहा है, क्लियर। अब एक लार्ज एरिया जो इनके अंडर में आ चुका था, उसको ठीक ढंग से करने, उसमें सारी व्यवस्था देखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, है ना। तो अब एक बहुत लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बनाया गया, जहाँ पर गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया, जिनको अमीर्स कहा जाता था, ठीक, अमीर्स।
एंड ट्राइबल चीफ्स, जिसको अशरफ कहा जाता था, जितने भी तरह के ट्राइब्स थे उनका एक हेड बनाया जाता था जिसे चीफ्स या अशरफ कहा जाता था, ठीक है। और इन सब का जो हेड होता था, जो पूरे स्टेट को संभाल रहा है, उसको गवर्नर या अमीर्स कहा जाता था, ठीक है। अब ये सारे लोग जो भी यहाँ पर इनकम के सोर्सेस थे, जो भी रेड के थ्रू आ रही थी चीज़ें वो, है ना, और उसके अलावा जो भी टैक्सेस कलेक्ट हो रहे थे, ये इस टाइम पर इन लोगों की इनकम थी, ठीक। कैलिप्स के जो सोल्जर्स थे, जो मोस्टली बेडुइंस होते थे, ठीक है, बेडुइंस एक टाइप के हम कह सकते हैं कि वो ट्राइबल्स होते हैं, वो होते थे, ये डेजर्ट में जाकर रहते थे, है ना, वहीं पर कैंप्स इनके होते थे जहाँ पर ये रहते थे ये सोल्जर्स। और ये कैंप्स कहाँ पर बनाए गए थे, मेनली दो नाम बताए जाते हैं, कूफा एंड बसरा। तो कूफा और बसरा में इन, जो कि डेजर्टिक प्लेस है, यहाँ पर कैंप्स बनाकर नेचुरल हैबिटेट में ये कैलिप्स के जो सोल्जर्स होते थे वो वहाँ पर रहते थे, ठीक। इनके अलावा जो रूलिंग क्लास थी, जैसे सोल्जर्स थे हमारे और जो दूसरे लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लोग थे, उन सभी लोगों को उस टाइम पर मंथली पेमेंट दी जाती थी, जिसको अता कहा जाता था, ठीक है। जैसे पेमेंट दी जाती है उनके वर्क के लिए, वैसे ही उनको पेमेंट दी जाती थी जिसे अता कहा जाता था। नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी, उन लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए भी थोड़ी सी छूट दे दी गई थी, तब दी जाती थी जब एक तरह का टैक्स था वो उसको पे करेंगे, है ना। खराज और जिजिया नाम से दो टैक्सेस थे जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को देना पड़ता था। बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, जहाँ पर कोई दूसरे धर्म के लोग हैं, वहाँ को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, अंडर में ले लिया, है ना। फोर्सफुली तो उनको वो मुस्लिम फॉलो कराने की बात कर ही रहे हैं, पर अगर वो नहीं करते हैं, वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को करना चाहते हैं या किसी भी तरह के प्रॉपर्टी को रखना चाहते हैं अपने पास, तो उसके बदले में उनको खराज और जिजिया टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। ज्यूस और क्रिश्चियंस इस टाइम पर थोड़े से प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके कम्युनल अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होनी थी उनमें छूट दी गई थी उस टाइम पर। तो ये जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन और यूनिफिकेशन हुआ उस टाइम पर, पूरे के पूरे जो टेरिटरीज थी इनकी, जो एरिया था उसमें, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद हुआ था, ठीक है। अब इस टाइम पर इसके बाद क्या होता है कि जो फिर थर्ड कैलिफ आता है, जो थर्ड खलीफा उथमान, जो 644 से 56 के बीच में था, वो कुरैश ट्राइब से बिलोंग करता था। और हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो भी कुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे, है ना। हर ट्राइब का, हर जो कबीला होता था उसका एक नाम था, है ना। तो ये जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे वो भी कुरैश से बिलोंग करते थे, और उथमान जो थर्ड कैलिफ था, थर्ड खलीफा था, वो भी कुरैश ट्राइब से ही बिलोंग करता था, ठीक है। अब जब इसकी बारी आ जाती है, तो उसने चाहा कि वो एक तरह से मक्कन कैरेक्टर पर अपने स्टेट को फिर से बना ले। मक्कन कैरेक्टर का मतलब कि जिस तरह से शुरू में इन लोगों ने मक्का में शुरुआत किया था ना, तो एक दूसरा ही स्ट्रक्चर था उस टाइम पर लोगों का, उम्मा का। लेकिन फिर वहाँ से जब उनका विरोध होने लगा था प्रॉफिट मोहम्मद का, तो वो मदीना आ गए थे, है ना। और तो ये क्योंकि उसी ट्राइब से बिलोंग कर रहे थे, तो इन्हें लग रहा था कि अब हमारा हमारी बारी है कि हम हमारे उम्मा को, हमारे मेंबर्स को, या पूरे हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी तैयार हो रही है उसको थोड़ा सा मक्कन कैरेक्टर के साथ हम बनाएं, ठीक है। तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारा वो किया, एफर्ट किया, लेकिन इनका अपोजिशन होना शुरू हो जाता है, विरोध होने लगता है इराक में, इजिप्ट में, और बल्कि मदीना में खुद भी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर ये नहीं रह जाते, और ये इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक। और जब इनकी डेथ हो जाती है, हमारे थर्ड कैलिफ्स की डेथ हो जाती है, तो फिर चौथा खलीफा हमारा अब रूल में आ जाता है, जिसका नाम है अली। अब अली के टाइम की जो बात फेमस बात है या मेन बात है, वो है कि अली ने उस टाइम पर दो वॉर लड़े, ठीक है, दो वॉर लड़े। सबसे पहला कि इसने क्या किया कि अली ने खुद को कूफा में इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, और वहाँ पर रहते हुए
इसकी लड़ाई होती है मोहम्मद साहब की वाइफ आयशा के द्वारा भेजी हुई आर्मी के साथ, ठीक है। अब रीज़न क्या था, लेकिन हो सकता है कि उनकी वाइफ जो आयशा थी, उनके और अली के जो भी बातें थीं वो सेम नहीं थी, या दोनों को पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि मोहम्मद साहब की वाइफ आयशा ने आर्मी को भेजा अली के साथ लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो पहला बैटल, जिसको बैटल ऑफ द कैमल 657 में हुआ था, ये हुआ था। इसके बाद फिर क्या होता है कि जो सीरिया का गवर्नर था, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो पूरा एक लार्ज एरिया था इनका, उसको कई सारे स्टेट्स में बांटा गया था ना, और हर स्टेट पे गवर्नर्स अपॉइंट किए गए थे, ठीक। तो सीरिया का जो गवर्नर था, ठीक है, उसका नाम था मुवैया। इसने भी इसके साथ भी इसकी बैटल होती है अली की, लेकिन वहाँ पर ये उनको हरा नहीं पाता है, बल्कि खुद हार जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। इसके बाद फिर अली का एक और बैटल की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में हुई थी, सिफिन नाम के एक प्लेस पर, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो बैटल होता है, इसके बाद ये जो मुस्लिम फॉलोवर्स थे वो टू ग्रुप्स में बट जाते हैं। अली इस टाइम पर कूफा में रह रहा था, ठीक है। अब वहाँ पर रहते हुए जब ये वाला इसके साथ एक और बैटल जब हो रहा था, तो जब इसके जो लोग थे, फॉलोवर्स थे, वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। कुछ ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अली का साथ दिया, ठीक है, तो वो तो उसके साथ रह गए जो लॉयल थे। इनके अलावा बहुत से लोगों ने अली को छोड़ दिया था, है ना, लेफ्ट कर दिया था, अली को छोड़ दिया। ये लोग खरजीस कहलाए, ठीक। और बाद में फिर क्या होता है कि खरजीस ने, यानी अली के ही जो फॉलोअर्स लोग थे, जो अली को मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने अली को मार डाला, ठीक है। और अली के मरने के बाद फिर अली का जो सन था हुसैन, अब वो बन जाता है यहाँ का हेड, ठीक है। और इसके साथ साथ हुसैन और उसका सन जो था, वो था मुवैया। तो हुसैन, देन मुवैया, ये लोग नेक्स्ट कैलिफ्स बन जाते हैं इन 661, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब एक डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले हुसैन बना खलीफा और फिर मुवैया बन गया, है ना। तो ये सिस्टम कब चलता है, जब एक ही फैमिली से लोग रूलिंग में आ जाते हैं। तो ये तो डायनेस्टी वाइज रूलिंग सिस्टम हो गया ना, जिसे हम वंश वंशानुगत बोलते हैं, है ना, जहाँ पर राजा का बेटा राजा बनता है। तो अभी तक तो ये जो भी लोग बन रहे थे, खलीफाज बन रहे थे, वो किसी भी रिलेशन में नहीं थे, है ना, या फादर सन जैसे रिलेशन में, इतने क्लोज रिलेशन में तो कोई नहीं था, ठीक है। तो अभी जो भी उनके बीच में जो भी ऐसा कोई पर्सन होता था जो लगता था कि जिसमें एबिलिटी है खलीफा बनने की, है ना, वो खलीफा बन जा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी क्या चेंज आ रहा है, अब हम देख रहे हैं कि हुसैन, और हुसैन के डेथ के बाद फिर उसका बेटा मुवैया नेक्स्ट खलीफा बन जा रहा है। यानी अब यहाँ से डायनेस्टी वाइज रूलिंग सिस्टम की शुरुआत हो जाती है इस मुस्लिम स्टेट के अंदर, ठीक है। और जो डायनेस्टी इस टाइम पर क्रिएट हो रही थी, उस डायनेस्टी का क्या नाम था, उम्मयाद डायनेस्टी, जो कि 750 तक चलती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अब किस तरह से यहाँ पर डायनेस्टी वाइज रूलिंग सिस्टम की शुरुआत होने जा रही थी, ठीक है। और अब हम आगे पढ़ेंगे उम्मदियाज ने आगे क्या किया, यानी जब ये एक नई डायनेस्टी शुरू हो गई, ये डायनेस्टी रूलिंग सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया, तो अब इन लोगों ने कौन कौन से तरह के चेंजेस किए, कौन कौन से नए रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, इंस्ट्रक्शंस उस टाइम पर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक। तो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे कि अब और किस तरह से इस्लाम का स्प्रेड हो रहा है अरब में, ये जो टेरिटरीज का एक्सपेंशन हो रहा था उस टाइम पर, वो किस तरह से और आगे बढ़ा, ठीक है। और भी जो विशेष बातें हैं, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, मेन फीचर्स हैं हमारे उस टाइम के, उन पे भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ वी विल मीट इन अपन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।